दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर पूरा प्लान तैयार किया है। कल केजरीवाल सामने आए और लॉकडाउन 4.0 पर दिल्ली वालों का मूड बताया। व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए दिल्ली के सीएम ने दिल्ली वालों से लॉकडाउन 4.0 के लिए सुझाव मांगे थे। 17 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी, कौन सी दुकानें खुलेंगी, किसका शटर डाउन रहेगा, कहां राहत मिलने वाली है, कौन सी कंपनी खुलने वाली है, ये सारे सवाल आज पूरे हिंदुस्तान के सामने हैं। लॉकडाउन 3.0 के खत्म होने से पहले दिल्ली सरकार ने लोगों से सोशल मीडिया, एसएमएस के जरिए पूछा था कि लॉकडाउन 4.0 की स्थिति क्या होनी चाहिए। जनता के जवाब को केजरीवाल ने दिल्ली वालों के सामने रखा, जिसके मुताबिक दिल्ली में स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, होटल नहीं खुलने चाहिए लेकिन रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, सैलून नहीं खुलने चाहिए, स्पा नहीं खुलने चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं खुलने चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं खुलने चाहिए। इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फिलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। इसके अलावा भी केजरीवाल सरकार ने लोगों से कई सवाल किए थे जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, मतलब सार्वजनिक गाड़ियां कब से चलेंगी, लोग टहलने निकल पाएंगे या नहीं। इन सारे सवालों का भी ओपिनियन पोल में सुझाव मिला है, जिसे केजरीवाल प्रधानमंत्री को बताएंगे। दिल्ली के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री से कहा है कि शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत हो, बाहर निकलते वक्त लोग झुंड में ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा लोगों ने कहा है कि मास्क बच्चों के साथ साथ सबके लिए जरूरी हो। बुजुर्गों को घर से निकलने के सवाल पर लोगों ने कहा कि ऐसी इजाजत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बच्चे, बीमार, गर्भवती महिला को भी बाहर निकलने के सख्त खिलाफ हैं दिल्ली वाले। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पार्क में घूमने की इजाजत चाहती है दिल्ली की जनता। स्वास्थ्य निर्देशों का ख्याल रखते हुए ऑटो रिक्शा, टैक्सी की मांग कर रहे हैं दिल्ली वाले। कुछ लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मेट्रो और मॉल खोलने की भी इजाजत चाहते हैं। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। दिल्ली सरकार के पास व्हाट्सएप के करीब 4,76,000 सुझाव आए, 10,700 ईमेल भेजे गए और करीब 39,000 लोगों ने फोन किया। अब ये सारे सुझाव केजरीवाल पीएम के सामने रखेंगे और उसके बाद लॉकडाउन 4 की सूरत तय होगी। पीएम ने अपने पिछले संबोधन में राज्य सरकारों से 15 मई यानी आज तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा था। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। उधर दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश भी लॉकडाउन 4 को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजने वाला है और इस बार लॉकडाउन काफी बदला होगा। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने बता दिया है कि 17 तारीख के बाद यूपी की क्या तैयारी है। छोटे मझले लघु उद्योग को सरकार खोलना चाहती है, महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार तैयार है, उद्योगों को उत्तर प्रदेश की सरकार खोलने की इजाजत चाहती है, फेक न्यूज फैलाने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई चाहती है। उद्योग के मामले में हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि उद्योग विभाग निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि कहीं भी किसी को लेबर की कमी ना हो। यदि किसी भी उद्योग को अपने लेबर को प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान बुलाना है, यदि हमारा कोई यूनिट जो है
अलीगढ़ में काम कर रहा है, उसको लेबर कानपुर से ले जाना है, तो उसकी भी अनुमति जिलाधिकारी दे सकेंगे। फेक न्यूज किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। 135 प्रकरणों में अभी जांच की जा रही है कि फेक न्यूज पर कैसे हम लोग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। बात चाहे यूपी सरकार की करें या फिर दिल्ली या फिर किसी भी राज्य सरकार की, सभी जानते हैं कि कोरोना से युद्ध तभी जीता जा सकता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमता रहे। यही वजह है कि लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारें चाहती हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन 3 के दौरान ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट मिली हुई है, कमोबेश उसी तरह की छूट लॉकडाउन 4 में रेड जोन में भी मिले। हाँ, ये जरूर है कि इस दौरान भी लॉकडाउन और कंटेनमेंट इलाकों में पूरी सख्ती रखी जाए जिससे कि कोरोना के प्रसार पर ब्रेक लगाई जा सके।